subscribe and press the bell icon. Search Science Class. Hello students, welcome to Search Science Class. आज हम लोग सेल के डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे. हमने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था स्टार्टिंग से मेन पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, ठीक है. उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है. जो एक सेल से बने उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. जैसे ह्यूमन प्लांट्स, ये मल्टी सेलुलर के एग्जांपल है. और जो अमीबा, जो जनरली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल होते हैं, ठीक है. उसके बाद मैंने मेन पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में बताया था. जैसे आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, ठीक है. और अगर ये एनिमल सेल नहीं होता, वैसे ये एनिमल सेल है, अगर एनिमल सेल नहीं होता, ये प्लांट सेल होता, तो इस पर भी एक और लेयर नजर आती है. आपको इस और लेयर, ये तो सेल मेम्ब्रेन है, एक और लेयर नजर आती है, इसका नाम था सेल वॉल, ठीक है. तो आपने सेल वॉल के बारे में देखा था, न्यूक्लियस के बारे में आपने देखा, साइटोप्लाज्म के बारे में आपने देखा, क्या होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे होल सेल बॉडी जो है, पूरा इसका स्ट्रक्चर जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है. आज हम लोग पूरा समझेंगे अच्छे से, फिर हम जनरली इसको समझने के बाद फिर हम लिखेंगे, ठीक है. चलो, तो इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि सेल जो है वो अपने आप में पूरा एक वर्ल्ड है, देखा जाए तो, ठीक है. एक पूरा वर्ल्ड है अपने आप में, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं. आप देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है हमारा. सबसे पहले मैं अंदर से स्टार्ट करता हूँ. ये न्यूक्लियस है हमारा, और न्यूक्लियस के चार, न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था क्रोमैटिन मटेरियल्स भरे होते हैं, जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिन मटेरियल है. और जनरली न्यूक्लियस से बाहर आपको जो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर जनरली पता है क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जहां जहां पर ये डॉट आपको नजर आ रहा है, ये डॉट जो है, ये आपको पता है क्या है, ये है राइबोसोम. ये क्या है, राइबोसोम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर डॉट नजर आ रहा है, मतलब जो राइबोसोम जहां पर चिपके हुए हैं, इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जहां पर ये डॉट नहीं है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का हो गया, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा, हम नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद, ठीक है. उसके बाद है हमारा कि सर ये क्या नज़र आ रहा है, इसको जनरली हम लोग गॉल्गी बॉडी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, गॉल्गी बॉडी बोलते हैं, या इसको गॉल्गी एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है. इसको बोलेंगे गॉल्गी बॉडी, ठीक है. गॉल्गी बॉडी इसका नाम है, GOLGI, ठीक है. गॉल्गी BODY बॉडी, गॉल्गी बॉडी है, या गॉल्गी एपरेटस के भी नाम से इसको जानते हैं हम लोग. उसके बाद ये क्या हमारा सर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा, ठीक है. उसके बाद ये क्या है सर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा लाइसोसोम है. लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं. सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा, डोंट वरी, पहले समझ लेते हैं इसको, ठीक है. उसके बाद सर ये जो क्या है, ये जो लार्ज वैकेंट स्पेस नजर आ रहा है आपको कहीं कहीं पर, ये वैकेंट स्पेस, जैसे ये है यहाँ पर, ये वैकेंट स्पेस है, ठीक है. जैसे यहाँ है, वहाँ पर वैकेंट स्पेस है, इतने बड़े बड़े वैकेंट स्पेस क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूल. क्या बोलते हैं, वैक्यूल. वैक्यूल के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. तो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, इस सेल के ऑर्गेनल्स हैं, इसलिए इसको सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है. इस पूरी चीज़ों को क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है. अच्छा, प्लांट सेल में जनरली देखो जरा ध्यान से प्लीज़, प्लांट सेल के अंदर, इसके अंदर एक और चीज़, अगर ये प्लांट सेल होता तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स में एक और चीज़ होता है, एक और ऑर्गेन होता है जिसका नाम है प्लास्टिड. तो प्लास्टिड भी प्रेजेंट होते, लेकिन ये प्लांट सेल नहीं है, इसके अंदर प्लास्टिड नहीं है, और इसके अंदर एक और लेयर जिसका नाम सेल वॉल है, वो भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. ये जनरली हमारा सेल का डायग्राम है कंप्लीट. हम सबके बारे में आपसे बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, लिंक डाला हुआ है, ठीक है. तो न्यूक्लियस के बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दी थी आपको. बता दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. रफ एंडोप्लाज्मिक का काम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक लिखना है, नोट भी करना है इसको. रफ एंडोप्लाज्मिक का काम होता है सर, ये जनरली प्रोटीन एंड लिपिड का फॉर्मेशन करता है. किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है, ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है. उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काम क्या होता है सर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक फैट मॉलिक्यूल, फैट का फॉर्मेशन करता है, फैट को सिंथेसिस करता है. कौन हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. अब हम बात करते हैं जनरली क्या है हमारा, उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, बिकॉज ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है. ये अपने अंदर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए नाम पावर हाउस बोला जाता है. इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल.
ठीक है, जैसे हम लोग न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, इस तरह से हमारा ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पावर हाउस के बाद आ जाते हैं गॉल्गी अपरेटस के बारे में। गॉल्गी अपरेटस क्या है सर? गॉल्गी अपरेटस एग्जैक्टली सर ये एक ऐसा ऑर्गेनल है सेल का जो नॉर्मली जो है बहुत सारे पैकेजिंग, डिस्पैचिंग और स्टोरेज का काम करता है। सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है, बहुत सारे सब्सटेंस को पैकेजिंग करता है, यानी पैकेज करके और डिस्पैच कर देता है, भेज देता है। जैसे किसको सर? प्रोटीन्स को, फैट को, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का काम करता है। कौन? हमारा गॉल्गी बॉडी। गॉल्गी बॉडी का एक और काम है, गॉल्गी बॉडी का एक और काम क्या है? गॉल्गी बॉडी का एक और काम है कि जो गॉल्गी बॉडी है ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनल है, वो आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब सर लाइसोसोम का काम क्या है? समझ आ गया गोल्गी बॉडी के दोनों फंक्शन समझ आ गए। गोल्गी बॉडी क्या करता है? इट फंक्शन क्या है इसका? इट फॉर्म या इट क्या कहते हैं, कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम टेक्स प्लेस बाय द गॉल्गी बॉडी। और दूसरा काम क्या है इसका गॉल्गी बॉडी का? इट स्टोर या इट एक्ट एज ए स्टोरेज एंड डिस्पैच, पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंस। ठीक है, या इट स्टोर एंड पैकेज एंड डिस्पैच, इट स्टोर पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ये हमारा गॉल्गी बॉडी होगा। नेक्स्ट हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है सर? लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो जनरली सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। क्यों? अब देखो, बिकॉज जब सेल डैमेज होता है हमारा, देन लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। और लाइसोसोम के अंदर, इसके अंदर एंजाइम होते हैं, बहुत खतरनाक वाले एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर। तो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम क्या होता है? कम्स आउट एग्जाम, एंजाइम बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही अपने ही सेल को, इतना खतरनाक एंजाइम होता है इसके अंदर, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो लाइसोसोम को इसलिए सुसाइडल बैग के नाम से, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? व्हेन सेल डैमेज द लाइसोसोम बर्स्ट ओके, एंड द एंजाइम्स कम्स आउट ऑफ द लाइसोसोम एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्लियर इज ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर हमारा? लाइसोसोम का एक और काम होता है। लाइसोसोम जनरली क्या करता है? सेल को क्लीन रखने में मदद करता है, इसलिए इसको नॉर्मली इसको हम लोग जनरली वेस्ट डिस्पोजल के नाम से भी जानते हैं। तो लाइसोसोम को वेस्ट डिस्पोजल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा लाइसोसोम। उसके बाद बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वैक्यूल का। ठीक है, वैक्यूल का क्या काम है सर? वैक्यूल एक कैसा सेल ऑर्गेनल है? वैक्यूल जनरली क्या होता है, ये एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो होता है वो टेम्पररी होता है एनिमल सेल, और स्मॉल होता है। कौन? वैक्यूल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर टेम्पररी और स्मॉल होगा, प्लांट सेल के अंदर लार्ज और परमानेंट होता है। पहली बात। दूसरी बात ये सर, वैक्यूल का क्या काम? वैक्यूल बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के काम करता है, जैसे फैट, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, खाली वैकेंट जगह होता है ये वैक्यूल, देख रहे हो आप, खाली जगह, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वैक्यूल हमारा हो गया। उसके बाद अगर ये प्लांट सेल होता सर, तो उसके अंदर प्लास्टिड भी होता है। तो प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड तीन तरह का होता है। पहला होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या लिखेंगे? क्लोरो, CHLORO, क्लोरोप्लास्ट। क्या है सर इसका फंक्शन क्या है? इट कंटेन क्लोरोफिल एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। दूसरा काम, दूसरा हमारा क्रोमोप्लास्ट, CHROMO, क्रोमो। क्रोमो वर्ड बनाया क्रोमा से, क्रोमा मतलब होता है कलर। तो क्रोमोप्लास्ट का काम होता है प्लांट्स के पार्ट्स को, जैसे फ्रूट्स, लीव्स, ये सब को, प्लांट्स के पार्ट्स को क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है। क्रोमोप्लास्ट, इट प्रोवाइड कलर टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है सर हमारा? ल्यूकोप्लास्ट, LEUCOPLAST, ल्यूकोप्लास्ट। इसका काम क्या होता है सर? ये एक तरह का कलरलेस प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट क्या था? कलरफुल। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड। और इसका काम क्या है सर? इसका भी काम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। ठीक है ना, क्लियर चीज़। तो हमारा प्लास्टिड का भी काम
हो चुका है। तो सेल के अंदर दोस्तों यही सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जिसका काम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना था और कोई रह तो नहीं गया। आप देख लो, स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया हमारा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन तो पहले ही कर चुका था मैं आपको, गॉल्गी बॉडी हो गया, ठीक है, वैक्यूल हो गया और प्लास्टिड भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट्स वो किसके थे, सारे ऑर्गेनल्स किसके थे, सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। द ऑर्गेन्स प्रेजेंट इन साइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, देखो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म और यही सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है और इसी सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं, इसी ऑर्गेन्स को सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगली क्लास में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, वो देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही होंगे, सेल से रिलेटेड, तो देखना मत भूलिएगा अगली वीडियो, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया वो पूरी चीज़ है, तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन, अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको वीडियो हर सब्जेक्ट का, हर पार्ट का, आपको हर जनरली चैप्टर्स का मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।